हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ्स लेक्चर। आई होप कि आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी बुक में भी ये एग्जांपल्स अभी लिख रहे होंगे। एक वन टाइम्स तो आपको लिखना ही है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो टेक्सचुअल एग्जांपल है वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 के साथ, ठीक है। इजी एक्सरसाइज है और ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है। मैं फिर से कह देता हूँ एक बार, आपको इस चैप्टर में फोकस करना है 4 मार्क्स के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट हो कि जिसको मैथ्स सब्जेक्ट ही हार्ड लग रहा है लेकिन उसको भी ये चैप्टर इजी लगेगा, ठीक है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ आगे बढ़ो, ओके। चलिए एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें यहाँ पे देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी कि शायद किसी की प्रोबेबिलिटी है और शायद किसी की नहीं है, तो उनका सम है वो क्या होना चाहिए, उनका आंसर होगा 1, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज ब्लैंक, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ओके, तो द प्रोबेबिलिटी है वो कभी हैपन ही नहीं हुई है। मैंने आपको कहा था कि सन राइजेज इन द वेस्ट, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, तो वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, 0, और उसको हम क्या कह सकते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसके ऑपोजिट हम देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज ब्लैंक, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर में, 1, ठीक है। सच एन इवेंट कॉल्ड, तो इसे हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ कितनी होगी, 1 होगी, ओके। फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, तो हमें पता ही है कि एलिमेंट्री इवेंट्स है तो उसकी जो एक्सपेरिमेंट्स है उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा। ये जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक एंड लेस देन और इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उसमें आंसर होगा 0, कि 0 और उससे क्या होगा, ज़्यादा, और 1 से क्या होगा, लेस, ओके। तो ये थी छोटी सी ब्लैंक्स, और आपको एक बार है वो रीड कर लेनी है। अगर एमसीक्यू एज अ फॉर्म ऑफ एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ ले तो आपको इसमें से आंसर है वो पता होना चाहिए, ठीक है। Which of the following experiments have equally likely outcomes? तो भाई चलो 1 by 1 हमें सभी है वो देखना है और हमें explain भी करना है कि कैसे, ठीक है। A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. अब यहाँ पे तो ये likely outcomes है या नहीं, तो ये नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कार की कंडीशन है वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। अब कार है तो वो तो रैपिडली स्टार्ट हो ही जाती है, अगर कोई फॉल्ट है तो वो स्टार्ट नहीं होती है। तो इसमें अगर कंडीशन अगर हमें दी गई होती तो हम अच्छे से कह सकते, सो ये डज नॉट लाइकली, ओके। सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिस द शॉट। अब यहाँ पे तो इसका भी आंसर होगा डज नॉट हैव इक्वली लाइक आउटकम्स।
अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कोई भी ऐसी डिटेल्स नहीं है कि हम कोई डिसीजन पे आ सके, बास्केटबॉल ना फिर शूटर ना फिर प्लेयर, किसी की भी एक की भी डिटेल्स हमारे पास अच्छे से नहीं है, सभी डिटेल्स है वो हाफ है, इसलिए ये होगी डज नॉट लाइकली। थर्ड है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका भी कोई भी क्वेश्चन है और आपको कहा जाए कि भाई ये रॉन्ग है या राइट है, तो आपको क्या कहना है कि हाँ शायद ही रॉन्ग हो सकता है, शायद ही राइट हो सकता है। तो ये क्लियरली प्रोबेबिलिटी है कि जिसका हम आंसर है वो लिख सकते हैं, तो ये होगी लाइकली आउटकम्स। ओके, फोर्थ है, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, तो ये तो हमें पता ही है कि ये है लाइकली आउटकम्स, कोई भी बेबी हो शायद वो बॉय हो सकता है, शायद वो गर्ल। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर हमारे पास क्लियर है। ओके, सो ये सभी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हमें एग्जांपल के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसाइडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। यहाँ पे अब मान लीजिए कि ये तो गेम जैसा है कि भाई सामने दोनों टीम है, तो हम टॉस तो करते ही है, ठीक है, कि भाई किसकी बॉलिंग होगी किसकी बैटिंग होगी वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम शायद कि कोई हेड कहेगा कोई टेल कहेगा, लेकिन चांस है वो दोनों टीम को मिलना चाहिए, ठीक है, कोई भी टीम है वो जीत सकती है, ठीक है, तो हमें दोनों को अच्छे से जो दोनों को सिमिलर चांस है वो देना चाहिए, ठीक है, टॉस तो कोई भी जीत सकता है भाई। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे देखो कि हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी दी गई है, 2/3, -1/-1.5, 15% और 0.7। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक आपको एक रूल्स याद होगा कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है तो वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो यहाँ पे तो एक जो है आंसर बी वो माइनस में है, कोई भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा -1.5, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी ऑफ ई इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट ई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होंगे ही, ठीक है, एक मार्क्स में अगर पूछा जाए तो आपको एक मार्क्स ले ही लेना है। ओके, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, तो पी ऑफ यहाँ पे पी ऑफ ई है उसकी वैल्यू क्या है 0.05, तो 1 माइनस 0.05, तो 1 माइनस 0.05, अगर आपको किसी को सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कैसे करना है। यहाँ पे आपको लिखना है 1.00, ठीक है, 1 के बाजू में पॉइंट रख दो, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो 0.05। अब यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 10, यहाँ पे 9, तो 10 माइनस 5 इट मीन्स 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0.,, तो आंसर होगा 0.95, तो ये होगा हमारा आंसर। ओके, अब है क्वेश्चन 6, अब फिर से हमारे जो छोटे छोटे जो एग्जांपल है वो स्टार्ट हो गए हैं, इतना ज़्यादा कुछ रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है, बैग में क्या है लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, तो वो बैग में नहीं देख रही है, डायरेक्टली कैंडी ले रही है।
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी सी टेक्स आउट, अब उसको वहाँ पे एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, अब ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी अगर हाथ में आ गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और लेमन फ्लेवर की आ गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। चलो भाई ये तो बहुत ईजी है, कैसे करना है देख लो। कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, एक बात याद रख लो, यहाँ पे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो हम शायद हम सिर्फ हमें पता नहीं है कितनी कैंडीज है, इसलिए हम आंसर में कह देंगे n कैंडीज। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट टेकिंग आउट वन कैंडी इक्वल टू n, ठीक है। तो लेमन फ्लेवर की कितनी है n, अब ऑरेंज की हमारे पास यहाँ पे बात की गई नहीं है, इसलिए हम ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज को हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। तो अब जब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे और फिर हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखिए फर्स्ट वन n ऑरेंज फ्लेवर, तो ऑरेंज फ्लेवर को कुछ डेटा हमारे पास है ही नहीं, उस बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की है, तो हम ऊपर लिख देंगे ज़ीरो और नीचे लिख देंगे n, सो ज़ीरो अपॉन n, तो आंसर में क्या होगा, आंसर इज ज़ीरो। और सेकंड वन है लेमन फ्लेवर, हाँ तो लेमन फ्लेवर है तो उसकी कोई कैंडीज की नंबर नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया है, n लिया है, तो n अपॉन n इक्वल टू वन, तो वो उसका आंसर होगा। फिर है इट इज़ अ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी हमें बताई दी गई है 0.992 कि टू स्टूडेंट्स से उनका बर्थडे वो सेम नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 1 - 0.992 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर में मिल जाएगा 0.008, तो यही हमारा आंसर होगा 0.008। क्वेश्चन नंबर 8 है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो हमें बताया गया है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड, ठीक है। तो यहाँ पे रेड और नॉट रेड तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की, तो टोटल नंबर्स आउटकम्स कितने होंगे, 3 + 5 इट मींस 8। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि अ बॉल ड्रोन इज अ रेड बॉल, ठीक है, यहाँ पे बात रेड बॉल की हो रही है, तो रेड बॉल कितने थे, रेड बॉल तो 3 थे। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, तो उसमें जो फेवरेबल आउटकम्स है उसमें आंसर में लिखना है 3, और नीचे जो टोटल आउटकम्स है पॉसिबल आउटकम्स है उसमें आंसर में लिखना होगा 8, तो हमारा आंसर होगा 3/8। अब बी क्या फाइंड आउट करना है, चलो देख लेते हैं, नॉट रेड, अब रेड नहीं है, तो रेड नहीं है तो इसके तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी आंसर है हमें उसमें 3 / 3/8 सब्ट्रैक्ट कर देना है तो हमें आंसर मिल जाएगा 1 - 3/8, ओके। सो 8 - 3/8, तो 8 - 3 = 5 और यहाँ पे होगा 8, तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। तो हम यहाँ तक है क्वेश्चन 8 तक हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन 9 से यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो आप ये जो है वो वापस अपनी बुक में है वो लिख ले, और जब नेक्स्ट वीडियो मैं सेंड करूँगा तब तक के लिए आपको ये सभी है वो लिख लेना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके, थैंक यू।